हेलो गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल एक न्यूक्लियस के अराउंड एक रीजन होता है 3D स्पेस, वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, 90 to 95%। नोट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसके किसके थ्रू डिस्क्राइब होता है? NLM, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बट इलेक्ट्रॉन इन एटम किसके किसके थ्रू डिस्क्राइब होता है? NLMS। N स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, L एजीमुथल, M मैग्नेटिक, S स्पिन क्वांटम नंबर। मींस NLM क्या डिस्क्राइब करता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। बट इलेक्ट्रॉन किसके किसके कम्प्लीटली डिस्क्राइब होता है? NLMS। नाउ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट क्या होता है? सर्कुलर होता है, फिक्स्ड होता है, 2D होता है, और ये डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डिस्क्राइब बाय 2n². नॉन डायरेक्शनल होता है, अगेंस्ट हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट होता है, और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस फिक्स होती है। ऑर्बिटल 3D रीजन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम अराउंड 90 to 95%। सेप से डिफरेंस होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2, मीन्स वन ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल्स ऑल आर डायरेक्शन, मीन्स एस ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल होता है, तो सिमेट्री होती है, और बाकी सब डायरेक्शनल इन नेचर होता है, डिपेंड ऑन एक्सिस। फॉलो HUP, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इम्पॉसिबल टू नो एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये क्या था? फिक्स्ड पोजिशन, डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस इज फिक्स्ड, बट ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स। नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्टैंड फॉर N, ये क्या डिस्क्राइब करता है? साइज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड इट्स एनर्जी। ऑल्सो डिस्क्राइब सेल, यू वी ऑल नो व्हाट इज सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। एन इक्वल टू 1, 2, 3 इक्वल टू KLMN। केस, हाँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कैन बी टोटल 2n², वेयर एन स्टैंड इक्वल टू 1, 2, 3। फॉर के एन इक्वल टू 1, फॉर के सेल एन इक्वल टू 1, तो 2, 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2। फॉर L cell n equal to 2, so 2 into 2² is equal to 8, samjha? Next, azimuthal quantum denoted by L, also called as subsidiary quantum number or angular momentum quantum number. ये क्या describe करता है? Subshells or shape of orbitals. ये क्या describe करता था? Energy and distance from the nucleus. Also describe cells. ये subshell describe करता है, shapes describe करता है of orbitals. इसकी value कहाँ कहाँ से होती है? 0 to n minus 1, means if n equal to 1, then what is the value of L? N minus 1, 0, means सिंगल वैल्यू। अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये बाहर करना है। L की वैल्यू S ऑर्बिटल्स के लिए क्या होती है? 0। P ऑर्बिटल्स के लिए 1, D ऑर्बिटल्स के लिए 2, F ऑर्बिटल्स के लिए 3। S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0, P ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1, D ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 2, F ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 3। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h कट इंटू रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1। वॉट इज h कट? h कट इज h अपॉन 2π। नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब करता है। ऑल्सो एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट, डिस्क्राइब और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्राउड अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट्स ओरिएंटेशन। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? -L to +L, टोटल वैल्यू 2L + 1। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -L to +L, मीन्स इफ L इक्वल टू 1, देन कहाँ से कहाँ तक होगा? -1, 0 और 1। टोटल वैल्यू कितनी होती है? 2L + 1। अभी अपने को मालूम है S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0। तो M क्या होगा? 0, क्योंकि -L to 1, -0 to 0, 0 आता है। P के लिए L की वैल्यू क्या होती है? L = 1। तो M की वैल्यू -1 to 1, तो -1 0 1। D के लिए L की वैल्यू 2, तो ये कहाँ, टोटल कितने होंगे? 5, -2 -1 0 1 2। F के लिए L की वैल्यू 3, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? -3 -2 -1 0 1 2 3। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है ना, ये हम लोग ने डिराइव किया है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव -1/2। पैरेलल स्पिन मीन्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम डायरेक्शन, नॉट एनालॉगी, मीन्स हम लोग ये स्टैंडर्ड नहीं है, हम लोग ने डिराइव किया हुआ है। नाउ नोट, जितना छोटा ऑर्बिटल्स होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस उतनी ज़्यादा होगी, और वो लेजर इन एनर्जी होगा, मीन्स मोर स्टेबल होगा। एज वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन
एज एनर्जी लेवल नियर टू न्यूक्लियस हैज लेजर एनर्जी एनर्जी लेवल डिक्रीजेस ऑर्बिटल्स एंड देयर शेप एस स्टैंड फॉर शार्प पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल ये इसका फुल फॉर्म है कहा बहुत ही कम ही लोग जानते होंगे ऑर्बिटल्स एंड देयर शेप्स एस ऑर्बिटल्स क्या होता है सिमेट्रिकल होता है स्पेरिकल एन एस डिनोट करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में कितने होते हैं दो इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू वन तो टू के सेल मैक्सिमम अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू नॉन डायरेक्शनल होता है मीन्स सिमेट्री है तो डायरेक्शनल फिक्स नहीं है क्लोज टू न्यूक्लियस सबसे क्लोजेस्ट न्यूक्लियस होता हैविंग लीस्ट एनर्जी सबसे क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस मीन्स लीस्ट एनर्जी मोस्ट स्टेबल हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन मीन्स इसके एस ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम किसी भी डायरेक्शन में तुम लोग क्योंकि ये सिमेट्री है स्पेरिकल सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस एज एन वैल्यू इंक्रीजेस साइज इंक्रीजेस 4s इज ग्रेटर देन 3s इज ग्रेटर देन 2s इज ग्रेटर देन 1s अभी अपने को मालूम s के लिए l की वैल्यू जीरो तो m की वैल्यू जीरो हैविंग ओनली वन ओरिएंटेशन दैट इज स्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एंड इनडिफिनाइट इन डायरेक्शन मीन्स किसी भी एक्सिस के थ्रू कितना भी डिस्टेंस पे जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम नाउ p orbitals we all aware that p orbitals are three types px py pz total electron 6 hota hai 2n square 2n ki value 2 l cell to n ki value 2 total 8 electrons to 2p minimum value of p n for p is 2 to 6 ye leke gaya aur 2 ye leke gaya 8 matlab divide hua 2s aur 2p mein px py pz होता है डायरेक्शनल इन नेचर ये लोब शेप में होता है टू लोब्स सेपरेटेड बाय अ नोडल प्लेन डायरेक्शनल इन नेचर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन डायरेक्शन अपने को मालूम है पी के लिए एल की वैल्यू वन होता है तो एम कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा माइनस वन टू वन तो प्लस वन जीरो माइनस वन थ्री ओरिएंटेशन पी एक्स पी वाई पी जेड नोड्स व्हाट इज नोड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो उसको नोड बोलते हैं इट मे बी पॉइंट प्लेन और कोन तो नोडल प्लेन नोडल पॉइंट नोडल कोन इट मे बी रेडियल और एंगुलर नोड भी होता है तो टोटल नोड्स का फॉर्मूला होता है एन माइनस वन एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है एन माइनस एल माइनस वन टू लोब्स आर सेपरेटेड बाय अ नोडल प्लेन हमेशा याद रखना ना अगर पीएक्स है पीएक्स अगर ऑर्बिटल है तो वाई जेड उसका नोडल प्लेन होगा उल्टा मतलब जो दिया रहेगा उसको छोड़ के बाकी दोनों को लेने का तो अभी देखो पीएक्स है पी एक्स मीन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस देर इज अ लोब तो वाई जेड इसका क्या होगा नोडल प्लेन वाई जेड प्लेन इज अ नोडल प्लेन वैसे पी वाई ऑर्बिटल क्या होता है तो पी वाई ऑर्बिटल अलॉन्ग वाई एक्सिस लोब्स है तो नोडल प्लेन क्या होगा एक्स जेड मीन्स एक्स जेड इज अ नोडल प्लेन हाँ लोब्स के लिए लोब्स क्या होते हैं हमेशा इक्वल इन साइज शेप एंड एनर्जी एज एन वैल्यू इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस समझा अभी पी जेड है तो कौन सा नोडल प्लेन होगा एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई मीन्स जो रहेगा उसको नेग्लेक्ट करने का तो पी जेड ऑर्बिटल है तो एक्स वाई प्लेन है हाँ अभी एक इम्पॉर्टेंट है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये दो तीनों की एनर्जी लेवल सेम होती है मतलब डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड आर इक्विवेलेंट एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिट नेक्स्ट डी टाइप डी कितने में डिवाइड है पांच में डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं टेन समझा टोटल लोड कितना होता है टू मीन्स एन की इसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ एन क्या हो जाएगी थ्री तो एल की वैल्यू टू मिनिमम एल की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है टू तो ये एम कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा माइनस टू टू प्लस टू माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू तो 5d ऑर्बिटल होता है डबल डम्बल शेप होता है डबल डम्बल शेप डी हाँ बी दो पार्ट में डिवाइड है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बिटवीन एक्सिस होती है डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन एक्सिस होती है और डी जेड स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग द एक्सिस होती है तो अभी देखो डी एक्स वाई मीन्स अलॉन्ग एक्स वाई के एक्सिस के बीच में होगी तो एक्स और वाई तो एक्स वाई और फिर एक्स और वाई माइनस एक्स माइनस वाई तो एक्स वाई के बीच में माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स एक्स तो अलॉन्ग द एक्सिस तो अब वैसा सेम इधर डी जेड वाई तो जेड वाई मीन्स बिटवीन द जेड एंड वाई जेड जेड माइनस वाई
माइनस जेड, समझा? तो और जेड एक्स है, तो एक्स और जेड के बीच में। अभी इसके नोडल प्लेन कहाँ पे पाया जाता है? अगर एक्स वाई है तो डी एक्स वाई का अपना ऑर्बिटल का डायग्राम है, तो इसके साथ कौन सा नहीं है? जेड नहीं है, तो एक बार एक्स के साथ जेड और एक बार वाई के साथ जेड, तो नोडल प्लेन क्या क्या हो गया? एक्स जेड, जेड वाई जेड, समझा? वैसा सेम जेड जेड और वाई है, तो क्या नहीं है? एक्स जेड नहीं है, तो एक्स नहीं है, तो जेड एक्स और वाई एक्स। अभी जेड एक्स, इधर वाई नहीं है, तो जेड वाई और एक्स वाई, समझा? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहते हैं कितने पे होती है? 45 डिग्री पे, ये बिटवीन द एक्सिस होता है, और डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर अलॉन्ग द एक्सिस होता है, लाई अलॉन्ग द एक्स वाई एक्सिस। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, समझा? तो अभी इसमें इसके जो दो, इसमें भी दो नोडल, सब में दो नोडल प्लेन पाया जाता है, तो बहुत। और क्या होता है? टू नोडल प्लेन होता है, डी एक्स स्क्वायर डी जेड जेड स्क्वायर हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग एक्सिस। अभी देखो डी जेड स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, ये डफ नट शेप का होता है, डफ नट शेप का। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है एक्स वाई प्लेन में, और इसकी ये किसके अलॉन्ग होता है? जेड स्क्वायर के अलॉन्ग, जेड एक्स स्क्वायर के। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन, डफ नट शेप होता है, इट हैज टू एंगुलर। इसमें क्या होता है? सब में नोडल प्लेन पाया जाता था, बट इसमें क्या होता है? एंगुलर कोन पाया जाता है, समझा? ये कोन पाया जाता है, तो इसके लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी देखो याद करने का तरीका, एक्स वाई है तो जो नहीं है उसके साथ दो एक एक बार लेने का, जेड वाई है तो जे एक्स नहीं है तो जेड एक्स और वाई जेड वाई एक्स। अभी जेड एक्स है तो वाई नहीं है तो जेड वाई और एक्स वाई नोडल प्लेन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डेंसिटी एट 45, समझा? एफ ऑर्बिटल के कौन से लाइक का होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, 7 टाइप, 14 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है, डायरेक्शनल इन नेचर। हाँ, ईच ऑर्बिटल, अभी नोट क्या है? ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ टू, ये एक ऑर्बिटल होता है, वन ऑर्बिटल। हाँ नोट, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ऑल हैव इक्वल एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स जो पांचों थे वो सबकी एनर्जी क्या थी? इक्वल इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एन एल एक्स, एन स्टैंड फॉर सेल नंबर, पी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एस सब सेल नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, एक्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल सब सेल एंड ऑर्बिटल्स। अबव प्रिंसिपल क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड विथ इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, समझा? इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन ऑर्बिटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन फील विल बी एन प्लस एल, मीन्स मतलब क्या होता है ना, एन प्लस वेल वैल्यू जिसकी छोटी होती है उसको सबसे पहले फील करेंगे। एग्जाम्पल 1s, 2s, 3, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, इसकी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रही है, तो मतलब सबसे पहले इसको भरेंगे, फिर इसको, फिर इसको। एक्सेप्शन 3d होता है, मतलब एन प्लस एल, हायर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल हायर इज द एनर्जी। सबसे पहले किसको भरेंगे? लोअर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल। हाँ, अभी एक इम्पॉर्टेंट क्या है? फॉर सेम वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, अगर दो ऑर्बिटल्स के एन प्लस एल वैल्यू सेम होती है तो उसमें जिसकी एन वैल्यू कम होगी उसको पहले फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन। देखो अभी 3d 4p अपने को मालूम है, 3d तो एन की वैल्यू 3, डी के लिए एल की वैल्यू 2, तो टोटल एन प्लस एल 5 हो गया। 4p और तो 4p, एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 1, तो टोटल 5 हो गया। बट इन दोनों में अभी अपने को n प्लस l दोनों सेम है, तो अभी किसको सबसे पहले फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन? तो जिसकी लोअर वैल्यू ऑफ n होगी, तो इधर n की वैल्यू 3 थी तो सबसे पहले इसको फिल करेंगे, इसको बाद में भरेंगे। देखो 3d के बाद 4p, समझा? नेक्स्ट शॉर्टकट, अभी हमेशा याद रखो ऐसा बना लेने का, 1s, 2s, 3s, 4s, 8s तक बनाओ, फिर उसके बाद 2p, 1p तो होता नहीं है, 1p एग्जिस्ट नहीं करता, तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, अभी 2d भी नहीं होता, तो 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, ऊपर से स्टार्ट करने का, हमेशा पीछे से स्टार्ट करने का। तो 1s सबसे पहले भरा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आया, फिर इधर से आने का पीछे से स्टार्ट करने का, तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2p से 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p से फिर से पीछे से स्टार्ट करने का, तो 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3p के बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4s से फिर से पीछे जाने का, d में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10, तो d में 10 इलेक्ट्रॉन, फिर से आने का
फोर पी में सिक्स इलेक्ट्रॉन ऐसे कंटिन्यू होता है। याद रखो क्या पीछे से स्टार्ट करेंगे और ये बनाना आना चाहिए, 1s से लेके 8s तक, 2p से लेके 7p तक, 3d से लेके 7d तक, 4f से लेके 7f तक पीछे से स्टार्ट करना है इलेक्ट्रॉन फिलिंग। ये इधर हो गया तो इधर से पीछे से 2s, हम ऐसे मत कर देना कि इधर से ऐसे ऐसे जाने का, वो नहीं, समझा? हाँ, लोअर वैल्यू ऑफ एन प्लस विल फिल फर्स्ट, मतलब जिसकी एन प्लस एल वैल्यू कम होगी उसको अगर फर्स्ट में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों एन प्लस एल वैल्यू सेम हुई तो लोअर वैल्यू ऑफ एन विल फर्स्ट विल फिल फर्स्ट। अगर कार्बो कैटायन या कार्बन आयन फॉर्म में दिया, मीन्स अगर जो मेटल है वो मतलब एनायन या कैटायन फॉर्म में है तो उसके लास्ट ऑर्बिटल से, जो लास्ट हायर द वैल्यू ऑफ एन वाला ऑर्बिटल्स होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉली एक्सक्लूजन रूल, ये क्या बोलता है ना कि इन एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी चारों वैल्यू सेम नहीं हो सकती, मीन्स क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं हो सकती, मीन्स कोई एक ना एक डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू, एग्जाम्पल लो 2s2, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू 2, एस की वैल्यू एल की वैल्यू 0 और m की वैल्यू s के लिए क्या होता है 0, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 क्योंकि s में फिल हो रहा है। बट स्पिन क्या है, एक क्लॉकवाइज करेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो बोलने का क्या मतलब है कि एटलीस्ट 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकता है बट एक जो होगा वो डिफर करेगा। हाँ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, मीन्स स्पिन उसका एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अभी हंड्स रूल क्या बोलता है कि ऑर्बिटल्स में सबसे पहले सबको सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑर्बिटल सिंगली देन वी अप्लाई फॉर पेयरिंग। तो व्हेन सेवरल ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर प्रेजेंट, मतलब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, देन इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट ऑल ऑर्बिटल सिंगली बिफोर गेटिंग पेयर्ड इन एनी ऑर्बिटल्स। अभी देखो ये पॉसिबल है अल्टरनेट, बट ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल क्योंकि ये सही है बट इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। अभी ये भी गलत है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो सिंपल, अभी d6 है तो d6 मतलब मेरे को 5 लोग होते हैं, तो सबसे पहले सिंगल लड़ा डाला फिर उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा पहले वाले में। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका अबव प्रिंसिपल जो शॉर्टकट था पीछे वैसा है, एक्सेप्शन होते हैं क्रोमियम और कॉपर में। तो क्रोमियम का अगर अबव प्रिंसिपल के थ्रू जाएं तो सबसे पहले 1s2 कितना होता है 24, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, मतलब 2, 2, 4, 6, 4, 10, 10, 8, 18, 2, 20, 24, मीन्स टोटल 24 हो गया। अभी एक होता है ना रीजन कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, तो देखो अभी ये एस फुल फील्ड है और डी फाइव होना चाहिए था हाफ फील्ड के लिए, तो बट ये d4 है तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये 3d5 हो गया, तो ये हाफ फील्ड है तो मोर सिमेट्री आ जाती है। तो इसके लिए ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये नहीं, मीन्स क्रोमियम के लिए d4 नहीं होता, d5 होता है और s2 नहीं होता, s1 होता है, सेम एज कॉपर। कॉपर कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19, तो यहाँ तक तो सेम होगा। अभी ये कितना हो गया 18 में 4s2 20 और 3d9 9, तो अभी ये फुल फिल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, तो 1 तो ये एस वाला ऑर्बिटल अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, अभी ये फुल फिल्ड है तो मोर स्टेबल होगा, तो मोर स्टेबल होगा मीन्स ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये नहीं, सेम d5 हाफ। याद रखो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन अदर, देखो रीजन हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल्स, क्यों होता है, सिमेट्री मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन आर सिंगल, अगर d5 सिंगल है तो सिमेट्री है, सब सिंगल है तो सिमेट्री है, ऐसे d10 में सब डबल है तो सिमेट्री है, तो सिमेट्री लीड टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुल फिल्ड सबसेल, मोर सिमेट्री मोर स्टेबल। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, हाँ तो मैं एक्सचेंज एनर्जी मीन्स जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं वो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करते हैं, तो जिसकी वजह से मोर द स्टेबिलिटी। अभी देखो क्रोमियम d5 में है, तो d5 में क्या 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कभी हुआ था जब s अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो तभी तो d5 में हुआ था, d5
पांच इलेक्ट्रॉन। अभी इसका ये कितने लोग के साथ एक्सचेंज कर सकता है? एक दो तीन चार, चार एक्सचेंज कर सकता है। ये कितने लोग के साथ कर सकता है? आगे जाने का, तीन तो चार तीन सात। ये कितने लोग के साथ जाने कर सकता है? दो के साथ। ये कितने लोग के साथ कर सकता है? एक के साथ। तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितना है? 10। अभी देखो डी फोर जब भी था, जो ऊपर वाला कॉन्फिग्रेशन था जो कि नॉन यूजफुल था, तो डी फोर, तो डी फोर फोर एस टू, तो फोर एस टू में दो इलेक्ट्रॉन। तो अभी ये कितने लोग के साथ कर सकता है? तीन। ये कितने लोग के साथ कर सकता है? दो। और ये कितने लोग के साथ कर सकता है? एक। तो तीन दो पाँच एक छः, समझा? तो नंबर ऑफ एक्सचेंज किसका ज़्यादा है? डी फाइव का। तो डी फाइव मतलब मोर स्टेबल, समझा? थैंक यू।